नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन के कैमरे को DSLR कैमरा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने जियो फोन से वीडियो शूट करते हैं या आप भी अपने जियो फोन से सेल्फी लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने जियो फोन के DSLR कैमरा बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे मैं अपने जियो फोन की तरफ। तो दोस्तों किस प्रकार आपको अपने जियो फोन के कैमरे को DSLR बनाना है मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों बस आपको यहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आपके जियो फोन के कैमरे को DSLR बनाना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जियो फोन के कैमरे को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर अपने जियो फोन के कैमरे को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप जियो फोन से सेल्फी लेते हैं या फोटो खींचते हैं तो इसको DSLR कैमरा जैसे से करें। यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन के बटन को क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहां पर दो ऑप्शन मिलेगा, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने रियर कैमरे को ही यूज करके आपको दिखाता हूं किस प्रकार आपको HD फोटो को क्लिक करना है और खींचना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर बगल में जाना है। दोस्तों बगल में जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा सेल्फ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइमर लगाना है कि कितने सेकंड में आपको फोटो को क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपना सेकंड को चूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसके बगल में चलते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बगल में जाने के बाद बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यही इसका मेन ऑप्शन है। अगर आप जियो फोन से फोटो शूट करते हैं तो DSLR की तरफ अगर आपको खींचना है तो यहाँ पर आपको ग्रिड को ऑन कर लेना है। दोस्तों ऑन करने के बाद आपको यहाँ बॉक्स की तरह कुछ मिला दिखाई देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी HD क्वालिटी में हमारी फोटो आ रही है। दोस्तों यहाँ से आप अपने फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी पहली सेटिंग्स। तो दूसरी सेटिंग्स क्या है दोस्तों, अगर आप अपने जियो फोन के कैमरे से DSLR की तरह वीडियो शूट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी सेटिंग्स बता देता हूँ किस प्रकार आपको जियो फोन के कैमरे से DSLR की तरह आपको वीडियो को शूट करना है। तो दोस्तों हमने अपना वीडियो रिकॉर्डर को ओपन कर लिया। दोस्तों ओपन करने के बाद हमें जियो फोन में ऑप्शन का बटन दिखाई देगा, उस ऑप्शन के बटन को क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन के बटन को क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद हमें अगर वीडियो शूट करना है तो हमें अपने रियर कैमरे को चूज करना होगा। तो चलिए हम अपने रियर कैमरे को चूज कर लेते हैं। दोस्तों चूज करने के बाद यहाँ पर आपको बगल में आना है। दोस्तों अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ किस प्रकार आप अपने जियो फोन के कैमरे को DSLR बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा रिजोल्यूशन में, किया लो, मीडियम, हाई। दोस्तों अगर आपका जियो फोन में लो में अगर आपका रहेगा तो आपका वीडियो लो क्वालिटी में शूट होगा, तो दोस्तों इसे आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा नंबर पे मिलेगा मीडियम क्वालिटी। दोस्तों मीडियम क्वालिटी क्या है, अगर आपका वीडियो मीडियम क्वालिटी में शूट होगा तो भी आपका DSLR की तरह वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, हाई क्वालिटी। दोस्तों यहीं से आप अपना हाई क्वालिटी में अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जियो फोन का कैमरा एकदम DSLR की तरह बन जाएगा और यहाँ से आप अपने जियो फोन कैमरे से DSLR की तरह फोटो शूट कर सकते हैं और आपका पूरा ब्लर की तरह आपका वीडियो शूट होगा। दोस्तों यही मेन इसकी सेटिंग्स है। यही दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि यही आपको ऑन करना है। यहाँ से आप अपने हाई क्वालिटी में कर देंगे तो आपका वीडियो एकदम पूरा DSLR की तरह शूट होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं रेजुलेशन सेट टू हाई हो चुका है, अब हमारा हाई क्वालिटी में वीडियो शूट होगा और पूरा HD क्वालिटी में आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी HD क्वालिटी का हमारा कैमरा बन चुका है। दोस्तों एकदम बेस्ट क्वालिटी का हमारा एकदम वीडियो, अच्छा वीडियो शूट हो रहा है। दोस्तों यहाँ से आप अपने हाई क्वालिटी में अगर आप सेव कर देंगे तो आप अपने DSLR से भी बेस्ट अपना कैमरा को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सेटिंग्स। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल हो या कोई भी डिमांड हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।